हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम इलेवन के एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि ड्रीम इलेवन पे टाइम टू टाइम आपका डिस्काउंट ऑफर आता है, तो वहां पे एक होता है कि कॉन्टेस्ट ज्वाइन लिमिट। तो हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि जो ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन लिमिट है आखिर यह है क्या, यह वर्क कैसे करता है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। सो वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रीम इलेवन पे जो भी आपके मैच पास आते हैं, जो कि टाइम टू टाइम आते रहते हैं, और या आपका डिस्काउंट ऑफर भी टाइम टू टाइम आते रहते हैं, तो वहां पे जो कंटेस्ट ज्वाइन लिमिट होता है वहां पे कहीं 30, कहीं 60, कहीं 20, कहीं 10, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो नॉर्मली इसका मतलब यही होता है कि जो आपको डिस्काउंट मिला है आप उसको उतने ही कॉन्टेस्ट में यूज कर पाएंगे। यानी मान लीजिए अगर आपको 25 रुपए का डिस्काउंट मिला है और आपको जो वहाँ पर कंटेस्ट ज्वाइन लिमिट 10 है, तो आप 10 कंटेस्ट में ही उसे यूज कर पाएंगे, उससे ज्यादा में यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे तो जो भी आपको छूट मिलता है वो एंट्री का 50% अक्सर होता है, या कि किसी में 50% होता है, या कि किसी मैच में आप 25 रुपए तक यूज कर सकते हैं, किसी में 30 रुपए तक यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप जीएल ज्वाइन करते हैं तो एक ही बार में जो भी आपको डिस्काउंट मिला होता है वो यूज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो भी यहाँ पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन होते हैं उसके कुछ अलग अलग कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि पेड कॉन्टेस्ट के लिए कुछ मैच पास होते हैं, कुछ पब्लिक कॉन्टेस्ट के लिए मैच पास होते हैं। और जब भी यह डिस्काउंट अप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एंट्री का आपका 50% मिला और एक मैच में आप मैक्सिमम 25 रुपए तक ही यूज कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि अगर यह आपके हेड टू हेड के लिए मिला या जो भी स्मॉल एंट्री वाले कॉन्टेस्ट उनके लिए मिला, मान लीजिएगा अगर किसी भी कॉन्टेस्ट का 2 रुपया अगर आपका एंट्री है, ठीक है, और वो एंट्री का 50% ही यूज होता है, तो यह आपका हो जाएगा 1 रुपया। ठीक, तो छूट मिलने के बाद आप 1 रुपये में उस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर पाएंगे, और यह होता है कि आप एक बीच में 25 रुपया तक ज्वाइन कर पाएंगे। तो इस तरह जो आपको छूट होगा वो आप अगर आपको 30 कॉन्टेस्ट ज्वाइन लिमिट मिल रहा है तो आप 25 कॉन्टेस्ट में इसी प्रकार से ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो यह कॉन्टेस्ट ज्वाइन लिमिट है वो आपका वर्क करता है। ठीक, जो भी हम जानते हैं, जो भी मेरा अनुभव है उसके आधार पर हमने इसको एक्सप्लेन करने का भरपूर प्रयास किया हुआ है कि आखिर कॉन्टेस्ट ज्वाइन लिमिट क्या है, कैसे वर्क करता है। उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि ड्रीम इलेवन पे जो मैच पास में या किसी अदर ऑफर में जो कंटेस्ट ज्वाइन लिमिट होता है आखिर वो क्या होता है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।